हाय गाइस, वेलकम टू द मास्टर स्नूकर क्लब। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको एक स्नूकर की बेसिक बातें, दो चार बातें बताई थी, कैसे आपको हाथ बनाना है, किस तरह से आपको किस पोजीशन में आपको खड़े होना है और कैसे आपको स्टिक पे ग्रिप अपनी पकड़ बनानी है। तो एक बार दोबारा फिर मैं ये बातें बता देता हूँ, फिर हम अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आपको आप स्ट्राइकर से 12-13 इंच की दूरी पर बनाना है, 11-12 हाइट के हिसाब से, जिस तरह से आपकी हाइट है उसी तरह से आपको स्ट्राइकर से दूर अपना हाथ बनाना है। और हाथ आपका ये जो हमारा ये हाथ है, इस तरह से आपको ये हाथ ये अपनी और आपको इस तरह से आपका हाथ बनेगा। ये नहीं कि आप इस तरह से बना लो, ये वाला यहाँ से ये वाला पोर्शन आप ऊपर रखो या फिर ज्यादा इसको ऊंचा उठा दो या फिर बिल्कुल फ्लैट रखो, नहीं। इसका भी एक वो होता है, सबसे पहले हमें अपना हाथ ही बनाना आना चाहिए। सबसे पहले हमें ग्रिप ये पकड़ेंगे यहाँ से, कई बंदे यहाँ से ही पकड़ लेते हैं अपने हाइट के हिसाब से। तो ये इस तरह से आपको ये पोजिशन, ये वाला पैर जिस हाथ में स्टिक रहेगी, मोटा मोटा जल्दी जल्दी उठा देता हूँ, जिस हाथ में रहेगी और ये वाला पैर आपका कंफर्टेबल, जैसे मैं राइट हैंड हूँ तो आपको इसी तरह से अपना ये पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट आपका फेस रहेगा। फेस भी आपका इधर उधर यहाँ नहीं रहेगा, आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट स्टिक के साथ, एंगल के साथ, जिस बॉल पर आप मार रहे हो स्टिक अपना शॉट लगा रहे हो उसी पे। तो आज की जो वीडियो है सेकंड वाला पार्ट आज हम डालेंगे। हमने 15 रेड बॉल अपनी यहाँ पे रख ली है, इसमें क्या करेंगे हमें अपना जैसे एक एक बॉल पोट करने की कोशिश करेंगे, हम अपना देखेंगे भी हमें अपना हाथ बनाना आ गया प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हमें क्या टेबल पे खड़ा होना आ गया, क्या कैसे हम अपनी ग्रिप बनाते हैं। तो ऐसे बॉल रख लेनी है अपना, अपने पास 15 की 15 रेड बॉल है, एक एक बॉल करके वन बाय वन हम कोट करते जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। बिल्कुल स्ट्राइकर के बीचों बीच आपको साइड यूज नहीं करनी है, बिल्कुल बीचों बीच रखना है स्ट्राइकर अपना, ना फॉलो मारना है आपने, कुछ नहीं करना। एक एक शुरुआत बिल्कुल सीधी सीधा आपको बॉल रखे और अपनी मेन अपनी पोजीशन पे आपको फोकस करना है और अपना एम पे जो आपका सामने बॉल है और कोर्ट के बिल्कुल कोर्ट के सामने से आपको बिल्कुल आपका सीधा सीधा चलेगा, ये वाला सीधा, ये हमारी जो हमारी कोनी से ऊपर हमारी जो और मेरे बाजू है, ये आपकी एक स्टैचू तो बिल्कुल स्टैचू में रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हलचल इसमें भी होगी। ये तो नहीं है कि इसके नीचे ही आपका हाथ ही लगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी मैं आपको एक अगला शॉट दिखा देता हूँ, इस साइड आपको मिडिल वाले कोर्ट में आपको इस साइड से मेरा हाथ नजर आ जाएगा। ये आपकी पोजीशन है, ये देखो इस तरह से आपकी पोजीशन है, ये मेरा हाथ बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा और फेस और मेरा शोल्डर, ये मेरा हाथ देखो कितनी कैसे जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको ये स्टिक ऐसे ऐसे छोड़नी है, इस तरह से आपको नहीं हिलानी है स्टिक, ऐसे आपको हाथ नहीं ऐसे नहीं हिलाना, नहीं, वो जो हमारी कोनी है उससे नीचे सीधा आपको हाथ इस तरह से लेगा। 15 की 15 रेड बॉल, ये आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा लेकिन ये सेकंड क्लास का मेन पार्ट है। ये हमारा गेम एक अच्छा बनाने के लिए हमें जरूरी है अपनी 15 की 15 बॉलों को, दिन में हम जितना भी आपको टाइम आप अपने गेम को अपना टाइम दे सकते हो उतना बिल्कुल स्ट्राइकर के बीचों बीच आपको बॉल को हिट करना है, आपको स्ट्राइकर के बिल्कुल स्ट्रेट आपको सीधा रखना है। एम आपको इसी तरह से आपका बॉल के पीछे जाके आपको एम अपना देखना है, कौन ये बॉल के सामने है और ये वाली रेड बॉल है, इसको मैं कहाँ पे मारूंगा,
ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि हमारी स्ट्रेट रखी हुई है। कई बार स्ट्राइकर हमारा ये इधर आ जाता है तो यहाँ से स्ट्रेट तो नहीं है ये बॉल, वो वाली वीडियो मार्ग जैसे जैसे हम आगे आगे पार्ट अपना बनाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। इस तरह से हमें अपना सबसे पहले ये वाला पहले तो पोजिशन अपना खड़ा बनाना चाहिए, हाथ बनाना, मैंने आपको बता दिया किस तरह से हाथ बनाना है, कैसे स्टिक पकड़नी है, किस पोजीशन में खड़े होना है और कितने 90 डिग्री पर कितने डिग्री पर, ये बिल्कुल कोर्ट के सामने आपको एक अपना देखना है। स्ट्राइकर को अपना उसी एम पे रखो और हिट करो बिल्कुल स्ट्राइकर के बिल्कुल बीचों बीच, सिंपल सिंपल शॉट आप अपने ऐसे ही देते जाओ 15 के 15 शॉट। मेन बात है हमें ये आदत होनी चाहिए कि मैंने किस तरह से खड़े होना है और आपको स्ट्राइकर के शुरुआत में, जैसे अभी शुरुआत है क्योंकि मैं शुरुआत से बता रहा हूं तो शुरुआत में आपको स्ट्राइकर के नीचे नहीं मारना है बिल्कुल भी, क्योंकि टेबल पे जो कपड़ा होता है कपड़े पे लगेगा कपड़ा फट जाएगा उसमें नुकसान हो जाएगा। ये आप स्ट्राइकर के बिल्कुल बीचों बीच सिंपल आपको सारे शॉट सिंपल लेने हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो गाइस आप मेरा कहने का मतलब ये है आप अपने शुरुआत में किस चीज पर आपको फोकस देना है, आपको हाथ सबसे पहले अपना हाथ किस तरह से बनाना है, स्टिक पकड़नी है, आपको अपना एम बनाना है, एक देखना भी कोर्ट हमारा जैसे सामने आपको कहते स्ट्राइकर को उसके बिल्कुल सामने उसी तरह से आप अपना प्रैक्टिस करते जाइए। तो गाइस आज ये बेसिक स्नूकर का दूसरा पार्ट था। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में।